आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ और आप देख सकते हैं मनियाना गांव में पहुंचे हैं। कुछ दिन पहले भी यहां आए थे जहां जब सरपंची चुनाव का प्रचार चल रहा था और आज पहुंचे हैं यहां पर। नव नियुक्त सरपंच बन चुके हैं सतगुरु जाखड़। तो आप देख सकते हैं मैं सहयोगी से कहूंगा चारों तरफ का एक बार दृश्य जरूर दिखाएं। खुशी का माहौल है, सभी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, महिलाएं गीत गा रही हैं, खुशी के गीत यहाँ पर गाए जा रहे हैं, नाचा जा रहा है और माला फूल माला और जो यहाँ पर सतगुरु जाखड़ का स्वागत किया जा रहा है। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से एक बड़ा खुशी का माहौल है। और मैं सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ मनियाना गांव की, भाईचारे को लेकर मनियाना गांव पूरे हल्के के अंदर जाना जाता है, भाईचारा बहुत बड़ा है इस गांव का। और सतगुरु जाखड़ से जानकारी लेंगे कि आगे इनका क्या लक्ष्य है और क्या सोचकर इन्होंने जो सरपंची की उम्मीदवारी थी वो जताई थी, आज सरपंच बन चुके हैं, क्या इनका लक्ष्य है गांव के अंदर, किस प्रकार का ये विकास कार्य लेके आएंगे। सतगुरु जाखड़ हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो सरपंच साहब आपको सरपंच बनने पर बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके चैनल का, यहाँ पहुँचने पर हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं जी। सरपंच साहब पूरे गाँव का अब आप पर जिम्मेवारी आ चुकी है, अगर हम कहें कि आप पहले आदमी गांव के बन चुके हैं, पूरे गांव की जिम्मेवारी है, तो क्या सोचा है, क्या लक्ष्य बनाया है? सबसे पहले तो मैं मेरे परिवार की तरफ से पूरे गांव वासियों को, मेरे जाखड़ परिवार को दिल से बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा लगा के ये लड़ाई लड़ी है, पूरे ही जाखड़ परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे ही गाँव का हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने एक एक वोट पाके हमें विजय बनाया। सरपंच साहब सरपंच चुनाव प्रचार हम करते हैं तो बड़े बड़े जो वादे हैं वो किए जाते हैं, तो अब आपके माइंड में क्या रोड मैप है गांव के लिए, क्या किस तरह का विकास करेंगे? हमारे माइंड में सबसे पहले रोड मैप यही है कि हम आपसी भाईचारा बना के रखेंगे, जो गांव के अंदर धड़ेबाजी बनी हुई है उनको ख़त्म करेंगे और दूसरा नशे के ऊपर इतना बहुत ज़्यादा हमारे गांव के अंदर दिक्कत है, प्रॉब्लम आई हुई है, उसको हम ख़त्म करने की, उसको रोकने की, घटाने की फुल से फुल वो करेंगे, कोशिश करेंगे। और दूसरा हमारे गांव के अंदर कैंसर की बीमारी बहुत ज़्यादा है और कैंसर से काफ़ी लोग मर चुके हैं, आज भी अगर टेस्ट कराएँ तो 150-200 लोगों को कैंसर अभी भी है जी। और तो क्या कहें, हमारे परिवार में से भी तीन आदमी चले गए इस बीमारी से जी। हम मंत्री के पास जाएंगे, सीएम के पास भी पहुंचेंगे, नहर का पानी लाने की कोशिश करेंगे और हमारा मेन लक्ष्य यही है कि गांव के अंदर वाटर वर्क्स हो तो नहर के पानी का। सरपंच साहब सबसे बड़ी बात अगर हम करें, आपने बताया स्वास्थ्य को लेके सबसे पहले आपकी स्वास्थ्य की पहल रहेगी, तो शिक्षा को लेके क्या रणनीति बनाई है? शिक्षा को लेकर तो हम पहले ही जागरूक हैं सर, हमारे मंत्री साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब मैं ज़्यादा तो क्या कहूँगा, मेरे हिसाब से 94 लाख रुपया तो प्राइमरी स्कूल को दिया आ चुका है अभी मंत्री बनने से, एमएलए बनने से बाद, और स्कूल का काम चल भी रहा है बहुत। और जो हमारी शिक्षा सुधार कमेटी है वो तन मन से लगी हुई है, हम उनका साथ देंगे पूरा, ये जिम्मेवारी उनके ऊपर है सारी। और सीसीटीवी कैमरे अब आने वाले टाइम में हर रूम के अंदर लगेंगे स्कूल के। हाँ जी, तो अगर बात करें आउटर की, जैसे कॉलोनियां हैं या अगर ढाणियों की बात करें, तो उनके लिए आप कच्चे रास्ते भी होते हैं या फिर आने जाने की दिक्कतें होती हैं? कच्चे रास्ते बताता हूँ, कुछ तो हमने पास करवाए दिए, आपने पता ही है, देख भी लिया, काम चला हुआ है, 2 महीने के अंदर करवाए हैं। बीच वाली हमारी 40 साल से रुकी हुई गली थी वो करवा दी हमने, उसमें बची है 100-150 मीटर, वो अभी बन जाएगी जल्दी। और खोखर रोड पे जंगीरे मेमर को जाती है, कम से कम 11 किले की खड़बंजा लगा हुआ, काम चल रहा है, अभी 2-4 दिन में मुकम्मल हो जाएगी। और 7 गलियां छोटी छोटी हैं वो और पास हो चुकी हैं, ठीक है, जितनी भी कच्ची गलियां हैं 2-3 का मता रह रहा है, वो पा के हम जल्दी से जल्दी पास करवा के। तो अगर बात करें आखिरी में, भाईचारा सबसे बड़ी बात होती है, जो सामने सरपंच साहब थे गुरशेव जी, तो उनको साथ लेके चलेंगे आप, क्योंकि उनको भी अनुभव है, 5 साल वो रहे हैं, भाईचारा किस तरह का है गांव? भाईचारा मैंने आपको पहले भी कही है कि हम भेदभाव खत्म करके भाईचारा बना के ही चले।
धन्यवाद सरपंच साहब। सर आप क्या कहेंगे, आप भी लगातार चुनाव प्रचार में देखेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद जी सारे पिंड वासियों का जिन्होंने साढ़े नाल मोढ़े नाल मोढ़ा ला के खड़े ने, असीं उन्हां दा दिल दी गहराइयां नाल धन्नवाद करते हैं। जिहड़े भी काम ने स्टेडियम दे जां होर असीं बहुत जोर ला के करांगे, किसी भी मुंडे नूं स्टेडियम दी जां खेडण च कोई दिक्कत आउंदी है असीं साधन किराया भाड़ा सारा कुछ ही देवांगे, जिन्ना मर्जी स्टेडियम च जाण मुंडे सारा कुछ आपदे पल्लों करांगे, कोई दिक्कत नहीं हैगी किसी प्रकार दी। थैंक यू। तो आपने देखा कि यहाँ पर लगातार जो बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, आप देख सकते हैं अभी भी जो बधाई देने वाले हैं लगातार आ रहे हैं, और मैं यहाँ पर देख सकते हैं इस साइड में महिलाएं आपको नजर आ रही हैं, और जब चुनाव प्रचार था तो इन महिलाओं ने जोरदार एक प्रचार किया था गांव के अंदर, तो आप देख सकते हैं ये बधाई देने के लिए यहाँ पहुंची है। ताई राम राम, क्या नाम है? तो देख हम कहीं नहीं पता भाई, आओ आप आओ जी, आप इस साइड में आ जाओ। नमस्कार जी। नमस्कार जी सारी आपको भी आपके न्यूज के कहोगे आज गुरु जो सतगुरु है सरपंच के आए, कितनी खुशी है? बहुत खुशी हो रही है जी। हाँ जी बहुत खुशी हो रही है। के लागो आप सरपंच? हम परजाई लग दी। अच्छा तो हाँ के कहोगे भाई? समाज ये कह लोका भला कर रहा है, गरीबा का सहायक है, आगे भी करेंगे विकास जी, बहुत विकास करेंगे जी, पूरी उम्मीद के साथ है। हाँ जी ठीक है जी। आप क्या कहोगे जी? सतगुरु सरपंच की धन्यवाद जी, बहुत अच्छा है जी, सारे काम करेगा, गरीब जनता सारी गलत नागरी है जी, सबके भले करेगा। खुशी में जी। के खुशी में? सरपंच की में जी। अच्छा के खा रहे हो? पकौड़े ठंडे बर्फियां लड्डू। हाँ डीजे लग रहे हैं जी, गिद्दा पट रहे हैं जी, कट हो रहे हैं जी। तो क्या करे सतगुरु, आगे काम बढ़िया करेंगे। हाँ जी बढ़िया करेंगे जी, वोट पाई है जी। हाँ पूरा देखो जी, कट बट पूरा है जी, जे करेगा तो फिर पता लग जाएगा। हाँ काम तो मुस्ती भी बढ़िया करे हैं। हाँ सरपंच सारे बढ़िया, जो सरपंच थे सारे बढ़िया। हाँ बेटा हमारा वो भी सारी यूबी है, बहुत बड़ी बात है। हाँ और बहुत बड़ी बात है, बहुत काम करे उतनी नहीं होनी कहने, हम काम नहीं करे, करे सारा काम। अरे फिर एक का बंद नहीं होती सरपंच जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ जी मानू मालिक पे बहुत भरोसा था जी, मारा बहुत परिवार का बच्चा आया, ये मारा बच्चा है जी, तन मन नाल जित आया है, लीन मान तब बहुत अच्छे काम करेगा। हाँ मन पूरा विश्वास है, 100 का 100 विश्वास है, और पूरा उतरेगा, मन पूरा यकीन है, तन मन है जी, मारा लड़का है, मारा बच्चा है, गरीब परिवार का, गरीब घर का है, मारा तबियत बहुत बड़ा, ठीक है। मन आपका तन मन है तो जी, बहुत वोटा जीतती मारी, जो से गदारी करके करके फिर मन सबका पता भी है, ठीक है जी, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत परिवार का बढ़िया। आप देख सकते हैं हर किसी की दुकान पे एक अच्छे का दुकानदार है। हां जी ताऊ जी, मैं कराया जी स्कूल में जैकेट लवाया, कैमरे लवाए ने, बढ़िया कैमरे लवाए, जैकेट लवाया इस बंदे ने, बढ़िया जी बाद बढ़िया टॉप का कम गली बनाई ने जी, बढ़िया टॉप काम करे जी, ठीक है ना जी, इनकलाब जिंदा भाई करेगा, अगर 5 साल करेगा जी। हाँ जी हाँ जी ठीक है जी। तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर जो बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, और लगातार बधाई दी जा रही है सरपंच को। तो नई अपडेट के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।